close till I get up. Time is barely on our side. नीचे से आग, ऊपर से पानी, बीच में से निकला बिजली. नीचे से आग, ऊपर से और बीच में से क्या निकला? बिजली. कॉन्सेप्ट क्या है? सीबेक इफेक्ट. सीबेक इफेक्ट में क्या होता है? अगर किसी डिसिमिलर मेटल से बने जंक्शन के एक सिरे को क्या करेंगे? गर्म, हॉट. और एक जंक्शन को ऊपर से क्या करेंगे? ठंडा. तो पूरे जंक्शन में क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. और उस ईएमएफ के कारण इसमें से करंट इंड्यूस हो रहा है. जब एक जंक्शन को क्या करेंगे? ऊपर से जंक्शन को क्या करेंगे? कोल्ड. ऊपर रेडिएटर लगा है, इसमें पानी जो है उसको क्या कर रहा है? ठंडा कर रहा है. नीचे से क्या हो रहा है? गर्म. तो जब एक जंक्शन को हॉट करेंगे, एक जंक्शन को कोल्ड करेंगे, तो जंक्शन में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ईएमएफ. अब इस ईएमएफ के कारण से करंट इंड्यूस हो रहा है. इस घटना को बोलते हैं सीबेक इफेक्ट. यहां देख, ये है फेरस वायर, लोहे का तार, और नीचे है किसका? तांबे का तार. ऊपर लोहे का तार, नीचे है तांबे का तार. जब इस दोनों को, लोहा वाला तार और तांबा वाला तार, दोनों को एक जगह जोड़ देंगे, दोनों वाला तार को क्या करेंगे? एक जगह जोड़ देंगे. और यहां क्या करेंगे? एक सिरा को ठंडा करेंगे और एक सिरवा को क्या करेंगे? ये दोनों तार कौन से दिए हैं? एक सिरवा को क्या कर रहे हैं? ठंडा. और एक सिरा को गर्म. तो तांबे के तार में धारा का प्रवाह जो है कोल्ड जंक्शन से किधर होगा? हॉट जंक्शन में. तांबे के तार, तांबा का तार है पियर का, इसमें कोल्ड से करंट किधर बहेगा? और लोहा के तार में करंट कनेक्शन किधर होगा? हॉट से cold. अब कंटिन्यूअस करंट जब फ्लो होगा तो बीच में बल्ब लगा देंगे तो जरेगा कि ना? तो जब हॉट और कोल्ड जंक्शन को आपस में बदल दिया जाए तो करंट का डायरेक्शन वो बाहे पर बहे लगी. पहले पर बढ़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज. जब हॉट और कोल्ड जंक्शन को बदल देंगे तो क्या होगा? तो जब डिसिमिलर मेटल से बने थर्मोकपल जंक्शन के एक सिरे को कोल्ड करेंगे, एक जंक्शन को हॉट करेंगे, तो पूरे जंक्शन के बीच में क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ. और ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो करंट को क्या करेगा? इंड्यूस करने लगेगा. तो यह है, यहाँ हो रहा है ठंडा और यहाँ हो रहा है गर्म, और दोनों के बीचों में क्या बन रहा है? बिजली.